जी असलकुम जी वालेकुम असलम क्या हाल है सबके ठीक है सर एक बात पूछनी है परमिशन है हाँ जी पूछ लें जल्दी से पूछ लें आ, वैसे आपकी बात पूछने से पहले जो है ना मैं वैसे एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ शायद आप लोगों के आधे क्वेश्चन उससे क्लियर हो जाए ठीक है अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक तो अनाउंसमेंट ये है कि इस वीक के जो है ना सारे लेक्चर भी ठीक है वो एक भी नहीं दो भी नहीं कल वाला भी नहीं सारे लेक्चर जो है ना वो अपलोड हो जाएंगे और वो मंडे सुबह दस बजे तक रहेंगे सही है तो अब बाद में जो है वो कोई ये ना बोले कि हमें पता नहीं लगा क्योंकि अभी भी क्लास में कम है लोग ठीक है तो ये ग्रुप में भी जो है ना कोई वैसे पोस्ट कर दे आप में से कोई वो मैं प्रूव कर दूंगा कि बता दीजिएगा सर कह रहे थे कि मंडे दस बजे तक रहेंगे तो अब आपका पूरा वीकेंड है आराम से जितना मर्जी आप लोग अच्छे से जो है ना उसको देख लीजिएगा सही है तो इसके बाद ना हो कि ये मंडे के बाद जो है कोई कह रहा हो कि कि ये नहीं मतलब कि अभी हमें दोबारा कर दें या कुछ कर लें और ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ये इनिशियली स्टार्टिंग में कुछ इस तरह हो रहा है तो इसकी आदत भी नहीं बनानी ठीक है ये आगे जाके पॉसिबल है कि ऐसे नहीं होगा तो ये अभी स्टार्टिंग में क्योंकि आप लोग थोड़े अभी इनिशियली स्टार्ट ले रहे हो तो थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्टी आ रही हो ठीक है फिर काशिफ साहब को भी नहीं लगता है बहुत मैसेज किए होंगे तो उन्होंने भी शायद इसमें हाँ जी अगेन आएंगे तो वो आपको इनशाला ग्रुप में ही मिल जाएंगे एमेजॉन अकाउंट क्रिएशन की फाइल नहीं थी स्टेप बाई स्टेप वो यूजर परमिशन की थी वो मैं कर दूंगा इस वीकेंड के लिए वो आप लोग देख लीजिएगा सही अगर कोई विडियोज नहीं चल रही होंगी तो आप काशिफ से आप पूछ लीजिएगा कोई इशू हो ना जिसको भी ठीक है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा वैसे आई होप के वो वर्किंग ही होंगी चीजें सारी जो भी वो शेयर करेंगे ठीक है हाँ मैं वो मुझे पता है, याद है मुझे स्टोर का और ईबीसी वगैरह का मैंने आज बताना है और उसके साथ जो है फिर हम लोग फाइवर अकाउंट क्रिएशन की तरफ चलेंगे सही है तो आज का लेक्चर जो है ना थोड़ा शॉर्ट ही होता है तो हम लोग लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें हमारी जितनी हैं हम कर लेंगे कवर इंडिया वाला जो है ना चले मैं उस पर हम लोग एक सेशन रख लेंगे सही है वो कर लेंगे लेकिन आपके पास जो है ना चीजें तो फिर भी उसके लिए भी सारी होनी चाहिए ना अगर आप करेंगे फॉर एग्जाम्पल अप्लाई भी या जिस तरह भी तो खैर वो मैं बता दूंगा और हाँ जी पी में करनी होती है आपने बिल्कुल ठीक है पीडीएफ में करें स्कैन करा के वो भी ऐसे नहीं मोबाइल से पिक्चर लेके मोबाइल स्कैनर से यूज करके नहीं करनी वो आपने प्रॉपर स्कैन करा के अपलोड करनी होती है ठीक है तो अभी खैर क्वेश्चन आंसर शुरू करें रजिस्ट्रेशन का मैंने बोला था कि वो मैंने वैसे करानी भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ इन्फॉर्मेशन सारी लिखी है वो आप देख लें तो अगर बहुत किसी को इश्यूज आएंगे तब मैं उसमें हम रख सकते हैं एंड पे टाइम बचेगा क्योंकि वो वैसे उसके उस मॉड्यूल में भी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने वो आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई हुई है क्योंकि वो भी जरूरी थी इसलिए मैंने बताई है अच्छा क्रेडिट कार्ड आप लोग टेंशन लेके क्रेडिट कार्ड के बजाय आपके दूसरे को यूज करें ना अमेजान का डेबिट कार्ड अगर किसी के पास है नहीं है तो बनवा लें या और भी चेक कर लें और भी लग भी लग लग जाते हैं डेबिट कार्ड लेकिन आपने देने क्यों है वो ठीक है मैंने आपको जिस तरह कल मैं अकाउंट एक बना रहा था ना अब मैं आपको ये बता दूं आप बेशक इंडिविजुअल भी बनाए ना अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अपने डेबिट कार्ड को लगा देते हो और वो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्ली लग भी जाता है तो अगर उसमें चालीस डॉलर तक पैसे पड़े हो ना कट जाने हैं ठीक है मैं पहले बता रहा हूँ तो ये ना हो बाद में आप लोग कहोगे मैंने तो पहले रिकमेंड किया अभी कि ना बनाओ कोई भी लेकिन आप लोग ने पंगे लेने हैं तो ले लें वो अगर आपके पैसे कटे तो वो आप लोगों के लिए चले एक लर्निंग एक्सपीरियंस एक हो जाएगा फिर ठीक है मुझे तो कोई ऑब्वियसली मसला नहीं है उसमें जी सायरा आपका क्या क्वेश्चन है हाँ जी आपका शो होता है बिल्कुल रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग्स मैंने बता दी मिल जाएंगे ठीक है तो ये बात मैं इसलिए अभी क्लियर कर रहा हूं मैंने जो कल लगाया था ना आपको सिखाने के लिए कार्ड वो कार्ड आ, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा था ठीक है एक रुपया भी नहीं पड़ा था मैंने इसलिए कल वो सिखाने के लिए लगा दिया था और कर लिया था हाँ अगर आपको ऑनलाइन कोई ये होते हैं सीसी कार्ड जनरेटर वगैरह बहुत कुछ होता है अगर उधर से कोई कार्ड ऐसा मिल जाता है आपको तो वो लगा के देख लें ठीक है वरना आप कोई एक ऐसा उधर आप यूज करोगे एटीएम अगर फॉर एग्जांपल इंडिया या कोई डमी अकाउंट भी हम बनाते हैं कल को तो कोई एक ऐसा एटीएम आपके पास होना चाहिए जिसमें पैसे ना पड़े हों ताकि ताकि जब हम अप्लाई करें उसमें वो चीजें हम डालें तो क्योंकि अमेजॉन जो है ना वो आपकी पेमेंट काट लेता है स्टार्टिंग में भी बेशक आप इंडिविजुअल भी बनाओ हालांकि इंडिविजुअल की मंथली फीस नहीं होती पर इनिशियली वो काट लेता है तो अगर आपके उसमें पैसे नहीं ना पड़े होंगे तो अकाउंट खुल जाएगा और वैसे लिखा वहां पे एरर शायद आ जाए कि आपके पैसे कटे नहीं है या इशू आ रहा है जो भी ठीक है तो वैसे आपका हो जाएगा लेकिन Uh, काशी जब आप बी ए कर रहे होंगे फिर आपने ऐसे ही करना है बिल्कुल जैसे हमने कल देखा है ठीक है लेकिन उसमें डिटेल्स ओरिजिनल होंगी किसी बंदे की हाँ जी कट जाएंगे मानूर कट जाएंगे अगर बाद में भी पैसे आए और वो उसके साथ अटैच हुआ आपके अमेजोन के अकाउंट के साथ तो कट जाएंगे ठीक है इसलिए उन चीजों का ख्याल रखिएगा पहले से हस्बैंड uh, के नेम से अगर आप कोई बैंक का अकाउंट यूज करना चाह रही हैं कुछ भी तो फिर आप अमेजोन का अकाउंट भी उन्हीं के नेम से बनाएंगे मतलब तो जिसका भी आप यूज करेंगे सारी बनाएंगी मेजान का वैसे होना चाहिए आपके पास नान अगर नहीं है तो बनवा लें वैसे होना चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं फायदा आ जाएगा क्योंकि अकाउंट बनवाने में कौन से इतने तो बहुत ज्यादा कोई पैसे लगते हैं तो बनवा लें अगर बन रहा है तो इंडिविजुअल कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में इंडिविजुअल भी प्रोफेशनल में हो जाते हैं प्रोफेशनल भी इंडिविजुअल में हो जाते हैं तो उसकी टेंशन ना लें जो भी आप बनवा लेंगे वो बाद में भी हो जाती हैं चेंज एक मार्केट प्लेस नहीं एक बंदे के नाम पे आप बोलें ठीक है जैसे आ, और बिल्कुल ऑब्वियसली आपका जैसे कलसू आपका यूएस में आपके नाम पे एक ही बन सकता है ठीक है इसमें यूके में आपके नाम पे एक बन सकता है आ, ये क्वेश्चन अभी रेलेवेंट नहीं है मैं आपको बता दूंगा बाद में एंड पे याद करा दीजिएगा अच्छा जी खैर क्वेश्चंस अभी आप लोग तो फिर वही शुरू हो गए हैं वो कल वाले सारे वो, ये सारी बातें मैंने बताई हैं इसलिए मैं अभी इसको स्केप भी कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को नहीं आप रिमूव शिमू नहीं कुछ भी कर सकते अब ट्राई करके देख लें सही तो चलता कि नहीं क्योंकि अब इतने एक्सपीरियंसेस नहीं मैंने किए कि ज्वाइंट अकाउंट को ही ट्राई करके देखे आप करके देख लीजिएगा अगर आपको चेक करना है उसमें मैंने वैसे बता दिए जो चलते हैं वो नॉर्मली वो काम करते हैं अच्छा जी चले खैर हम लोग लेक्चर की तरफ जाते हैं क्योंकि ये कुछ ना सेम है और ये क्योंकि लेक्चर जब अपलोड हो जाएंगे तो उसमें भी सेम क्वेश्चन होंगे थोड़ा वेट में खुद इसलिए पाँच दस मिनट वेट किया क्योंकि लोग जो है ना काफी कम ने ज्वाइन किया था तो अब ठीक है अब आई थिंक स्ट्रेंथ सही है बाकी मजीद जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो अब उनके एंड से इशू होना चाहिए क्योंकि मैं तो हर लेक्चर में कोशिश करता हूँ दस मिनट पंद्रह मिनट वेट करता हूँ कि चले बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें नहीं मैंने हाफिज आपको बताया कि नहीं होगा उसका अच्छा जी आज हमने मैंने अभी यही बता रहा था कि हम लोग जो है आ, करेंगे सबसे पहले तो आ, इस चीज़ को डिस्कस कि वो जो हमने उस दिन देखा था आ, कि स्टोर क्या होता है एबीसी क्या होती है सही है मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले तो मुझे कंफर्म कर दें कि स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को सही है जी अच्छा तो आज हमारा बेसिकली Uh, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि uh, हम लोगों ने कल हमारी चीज एक रह गई थी ना कि अमेजोन के ऊपर uh, बल्कि दो तीन चीजें ऐड हो जाएंगी तो मैं दो तीन चीजें खट्टी चले बता देता हूँ ठीक है तो अब जरा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल रोक दें ताकि हम लोग जो है ना बिल्कुल uh, एक दफा फ्लो में जरा चीजें देख लें ठीक है तो आप क्वेश्चन आंसर ना कीजिएगा अच्छा तो दो चीजें मैंने बोली थी कल मैंने बताया था कि अगर आप लोग ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो ठीक है अमेजोन के साथ तो ब्रांड रजिस्ट्री के आपको कुछ फायदे भी होते हैं सही है और वो फायदे कल मैंने दिखाए भी थे आपको तो अगर आप दोबारा पूछो तो मैं बता भी देता हूँ कि फायदे क्या होते हैं एक तो जैसे आपको ब्रांड एड्स की ऑप्शन मिलती है पीपीसी में ठीक है फिर आपको ईबीसी बनाने की ऑप्शन मिलती है फिर स्टोर क्रिएशन की ऑप्शन मिलती है सही है इसी तरह ब्रांड एनालिटिक्स वगैरह के टैब मिल जाते हैं ठीक है इस तरह की चीजें मिलती हैं तो हम जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ वाटर बॉटल के नाम से कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लिया मैंने सही है अब ये जो वैसे मैं अभी बता रहा हूँ पीपीसी पे हम आए नहीं है लेकिन जब आएंगे तो इनशाला लेकिन ये वाला जो एड है ना ये जो स्पॉन्सर लिखा आ रहा है ये पूरा एक पूरी इसने जगह घेरी हुई है ये मैं वैसे बता रहा हूँ ये ब्रांड एड ही है सही है लेकिन खैर इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे ये मैंने वैसे आपको आइडिया के लिए बता दी है क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें ब्रांड का नाम लोगो है फिर उसके दो तीन प्रोडक्ट दिखा रहा है ठीक है तो ये ब्रांड एड होता है खैर अच्छा अब यहाँ पे ये नीचे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कोई पीएल का प्रोडक्ट मुझे मिले जैसे मुझे ये लग रहा है इसके नाम शाम और पैकेजिंग से कि ये पीएल का हो शायद ठीक है तो इसको देख लेते हैं वरना और भी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कोई तो नहीं ये ये देखें इन्होंने भी जो है ना इसमें न्यू और यूज अदर ऑफर्स भी आ रही हैं तो ना एक बार खोल के भी देख लेते हैं न्यू और अदर ऑफर्स को कि इसमें अमेजोन हाँ ये देखें अमेजोन वेयर हाउस की है तो मुझे यही शक था कि ये अब ये जरूर ये नहीं है कि ये आ, कोई और होगा क्योंकि ये अदर ऑफर्स जो है ऑफर अमेजोन के अपने वेयर हाउस की हैं ऑप्शंस अच्छा ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शायद आपको कंफ्यूजन हो कि अमेजोन जो है ना ये अमेजोन की वेयर हाउस की ऑप्शन क्यों आ रही है यहाँ पे अब मैं आपको ये बताता हूँ ठीक है यहाँ पे जैसे ये ये बंदा तो इक्कीस डॉलर समथिंग बाईस डॉलर की तकरीबन बेच रहा है बॉटल ठीक है लेकिन नीचे एमेजोन वेयर हाउस बेच रहा है उन, उन्नीस की भी बेच रहा है या उन्नीस उन्नीस उसने प्राइस लगाई है अच्छा भी होता क्या है ये नॉर्मली होता ये है कि कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा कर पी ही रहा है ये कन्फर्म है ठीक है अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने पीएल कर रहा था अब इसने प्रोडक्ट इसके गए ठीक है रिटर्न आ गए वापस या एमेजोन के पास क्या हुआ कि अमेजोन के पास वेयर हाउस मेंट्री बढ़ी थी ठीक है वो एमेजोन ने इधर से उधर उठाते हुए कुछ किया तो उसका पैकेट फट गया ठीक है बॉटल का हो सकता है पैकेट खुल गया हो सही है या एमेजॉन डिलीवर करते करते अमेजोन की गलती से या अमेजोन से जो है वो फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई पैकेजिंग खराब हो गई हो ठीक है या कभी कभार रिटर्न भी आते हैं ठीक है कभी कभार जो है वो आ, कस्टमर को इशू बना देता है तो कई आ, ऐसी इश्यूज आते हैं कि उसमें अमेजोन हमें भी पैसे दे रहा होता है और कस्टमर को भी दे देता दे दे है तो उन मतलब सीनैरियोज में मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं क्योंकि अगर एमेजोन के फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस में पड़ी पड़ी हमारी कोई चीज खराब होती है तो ऑब्वियसली एमेजोन उसका जिम्मा लेता है तो अमेजोन फिर क्या करता है मैं ये बता रहा तो पैसे नहीं छोड़ता और अमेजोन जो है कह लें एक तो पैसे नहीं छोड़ता दूसरा ये ऑब्वियसली अपने आप को नुकसान नुकसान नहीं पहुंचाता कभी भी तो अब ये क्या करता है अमेजोन कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट उनके पास पड़ा पड़ा फॉर एग्जाम्पल खराब हो गया खुल गया पैकेजिंग खराब हो गया उसकी तो उन्होंने क्या किया वही उसके पैसे तो हो सकते हैं उन्होंने इसको दे दी इस बंदे को आयरन फ्लास्क वाले को लेकिन अब उन्होंने उस प्रोडक्ट का भी तो कुछ करना है ना वो फेंक तो नहीं सकते तो उन्होंने क्या किया उन्होंने लगा दिया यूज लाइक न्यू ठीक है या हो सकता है रिटर्न आया हो ये ठीक है तो उन्होंने क्या किया यूज लाइक न्यू यूज हुई है थोड़ी सी ये खुली हुई है पैकेजिंग खराब है लेकिन बिल्कुल न्यू की तरह ही है ठीक है यहाँ पे लिखा भी है कंडीशन में आइटम विल कम इन ओरिजिनल पैकेजिंग पैकेजिंग विल बी डैमेज ठीक है तो पैकेजिंग हो सकता है डैमेज हो समझ रहे हैं बात तो अमेजोन ने इसको थोड़ा सा सस्ता करके कर दिया अब इस वाले में क्या कह रहे हैं माइनर कॉस्मेटिक इम्परफेक्शन ऑन टॉप ठीक है टॉप से हो सकता है कोई चीज लग गई हो वहां से खराब हो गई हो फ्रंट और साइड ऑफ आइटम ठीक है आइटम विल कम इन ओरिजिनल पैकेजिंग पैकेजिंग विल बी डैमेज सही हो गया ये आपको ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इससे आइडिया हो गया ना कि ये यूज वाला क्या चक्कर है अमेजोन पे सही है तो ये है जो है ये बंदा ये पीएल का ही है लेकिन अमेजोन इस तरह भी करके खैर चीजें बेहतर रहता है ठीक हो गया अच्छा तो अब आ जाए चेक करते हैं और मैं आपको ना एक और तरीका भी बताऊंगा कि मुझे ना ये एक लिस्टिंग देख के पता लग जाता है कि इसका स्टोर बना है कि नहीं बना क्योंकि ऑप्शन होती है अमेजोन पे स्टोर क्रिएट करने की ठीक है उनके पास होती है जिनके नॉर्मली कह लेंगे जैसे पीएल वगैरह जो कर रहे होते हैं तो एक तरीका होता है कि आपको लिस्टिंग देखते साथ ही आपको आइडिया हो जाता है कि स्टोर इसने बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ तो वो भी मैं बाद में खैर बताता हूँ क्या होता है सही है तो अब मैं नीचे आता हूँ सबसे पहले तो ये देख लें ईबीसी क्या होता है मैंने आपको बोला था कि ईबीसी जो है ना वो लिस्टिंग का हिस्सा ही होता है ठीक हो गया तो हम नीचे आते हैं ये लिस्टिंग का ऊपर टाइटल आ गया ठीक है ये टाइटल है लिस्टिंग का फिर नीचे जो है ये इसकी वेरिएशन आ गई साइज की ओज में भी है एटीन में भी है ट्वेंटी में भी है थर्टी में भी है ये भी वेरिएशन आगे कलर्स की बहुत ज्यादा वेरिएशन है इसमें ठीक हो गया उसके बाद नीचे आ जाए ये इसके कोई बुलेट पॉइंट आ गए इस प्रोडक्ट से रिलेटेड उससे नीचे आ जाए नीचे आ जाए तो ये चार्ट्स जो है ना ये मुझे एक्सटेंशन से मिल रहे हैं कीपा के ठीक है तो ये खैर अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा टूल्स जब आएंगे सही हो गया तो आपके पास बल्कि ये ना इस तरह आ रहा होगा मैं एक न्यू विंडो पे खोलता हूँ ताकि जिस तरह आपके पास आ रहा है उसी तरह हम देखें पेज को सही है इस तरह पेज आ रहा होगा ठीक है ये करंटली अन अवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते तो यहाँ से मैं एड्रेस चेंज करूंगा और यहाँ पे मैं यूएस का एड्रेस डाल दूंगा ठीक है ये हमारा सबसे पहला काम था जो मैंने बताया था हमेशा आपने करना है ठीक है तो ये मैंने कर दिया अच्छा अब नीचे आ जाए थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ पेज को ठीक हो गया नीचे आ जाए ये बुलेट पॉइंट गुजर गए बुलेट पॉइंट्स के बाद जो है इधर भी कीपा हुआ हुआ क्या कोई मसला नहीं है अच्छा उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे जो है अगर अब आप चेक करें तो ये आ गई है ईबीसी ठीक है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दो तरह की होती है ठीक है याद रखिएगा एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है टेक्स्ट वाली ठीक है उसमें सिंपल टेक्स्ट ही होगा और एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है इमेजेस वाली ये जिस तरह की ये देख रहे हैं इमेजेस बनाई है ये ईबीसी होती है या ए प्लस कॉन्टेंट होता है ये आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है कहने सही है तो ये सिर्फ उन्हें ही मिलती है जिन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह कराई होती होती है है और और पीएल में हम हम कराते हैं हमारी एक अपनी लिस्टिंग होती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं ठीक हो गया तो ये यहां पे ये पे देख रहे हैं इमेज लगी हुई है इसी तरह नीचे एक और इमेज लगी हुई है ठीक है ये एक इमेज लगी हुई है ठीक है इस तरह दो तीन इमेजेस लगा सकते हैं या आपको ना बने बनाए सेट भी मिल जाते हैं कह लेंगे इसके बने बनाए जो है ना अः टेम्पलेट्स होते हैं इसके भी जब आप इबीसी के उसमें जाते हो ना तो उसमें बने बनाए टेम्पलेट होते हैं आप उसको यूज़ करते हुए ये एक ईबीसी क्रिएट कर लेते हो अब मैं आपको ये ईबीसी का स्केल भी इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट उसमें और और ये ये भी आप बेच सकते हो स्केल नहीं है ये स्केल काफी महंगा स्केल है इनके मैं अगर आपको फाइबर वगैरह पे इस ईबीसी वगैरह के दिखाऊं ना कि कितने कितने में बिकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्केल जो है ये कम से कम भी जो है ना इसमें आ जाए देखें ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये पीके आर में आ रहा है मैं इसको ना चेंज करता हूँ यहाँ पे डॉलर में ठीक है तो और ये जो जो पांच पांच डॉलर भी आ रहा हो ना अगर दस डॉलर तो मैं बता दूंगा वो सिर्फ एक आधी हो सकता है ठीक है तो ये देख रहे हैं थर्टी डॉलर फिफ्टी डॉलर अब ये पांच पांच दस दस डॉलर वाले काम नहीं है ठीक है वन फिफ्टी फाइव डॉलर ठीक है थर्टी डॉलर थर्टी डॉलर और ये थर्टी डॉलर में भी देख लें क्या करते हैं ये बहुत कम ही कुछ कर रहे होंगे अच्छा थर्टी डॉलर में सिर्फ वो कह रहा है कि एक मॉड्यूल डिजाइन होगा एक सेक्शन ठीक है तो इसी तरह वो स्टैंडर्ड में कंप्लीट पेज कह रहा है कंप्लीट ईबीसी जिस तरह कंप्लीट ईबीसी है तीन चार इमेजेस की सही है तो कंप्लीट ईबीसी तो का वो कम से कम भी सौ डॉलर ले रहा है तो ये एक अच्छा कह रहे हैं कि पैसों वाला काम है जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखें वो मैं तरीका भी बताऊंगा किस तरह बनाते हैं सारा कुछ बताऊंगा ठीक है मैंने खुद उधर से बना के कई प्रोडक्ट्स की बनाई हुई है ईबीसी ठीक है तो वो खैर मैं शायद प्रोडक्ट्स तो आपको ना दिखाऊं लेकिन अगर देखेंगे उस टाइम इनशाला मंडे को या जब भी तो अगर हुआ तो मैं आपको दिखा भी दूंगा वो ई बी से बनाई हुई है ठीक है कैसी ई है वो तो ये काम भी किया जा सकता है खैर इन शॉर्ट ये भी बताना था कि ईबीसी क्या होती है अब हम मैं ना आपको कुछ ऐसी भी लिस्टिंग दिखा देता हूं जहां पे ईबीसी नहीं होती है ठीक है जिन्होंने अभी कोई अपनी ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह कराई नहीं है कर वो पीएल ही रहे हो शायद लेकिन उन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवाई तो उनकी डिस्क्रिप्शन भी दिखाता हूँ तो शायद आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ईबीसी और ईबीसी के बगैर कितना फर्क पड़ता है एक लिस्टिंग के ऊपर ठीक है तो ये थोड़ी सी ना मुझे ढूंढनी यहाँ पे पड़ेगी हमें क्योंकि कोई ऐसी लिस्टिंग जो अभी नई नई आई हो ज्यादा चांसेस तो उसमें होते हैं जैसे ये वाली देख लेते हैं इसमें इसमें भी खैर बहुत रिव्यूज हैं अभी तो कोई ऐसी ढूंढ रहे हैं इसमें बहुत कम रिव्यूज हो कोई दूसरे चौथे पांचवें पेज पे जाते हैं ठीक है ये जैसे सेवनटी थ्री है इसको देखते हैं और भी कोई सेवन एट थर्टी थ्री वाला भी है इसको भी देख लेते हैं ठीक है जी ये जो है जी अच्छा ये अमेजोन की अपनी ही है ठीक है ये है? तो ये देख रहे हैं फ्रॉम सोल्ड बाय तो का अपना कोई ब्रांड है और इसकी तो अमेजोन ने पक्की ई बी सी ये बनाई हुई है नीचे ठीक है ये ई बी सी ही है उसकी तो ये भी पिक्चर अपलोड हो रही होंगी इधर और कोई देखते हैं ये वाला देखते हैं जी अः ठीक है ये बंदा जो है अः ये भी पीएल ही है क्योंकि यहाँ देखें और कोई नहीं बेच रहा है टू सेल आ रहा है और कोई बंदा नहीं इस प्रोडक्ट को बेच रहा सही है तो इसने देखते हैं ईबीसी बनाई हुई है इसने भी बनाई हुई है नहीं यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अभी देखते हैं कि ये लोड क्या करता है ये अगर तो पिक्चर्स लोड करेगा ये ये देखें पिक्चर्स आना शुरू होगी ना तो इसका मतलब इसने ईबीसी बनाई हुई है ये देखें ये इसकी ईबीसी बनी हुई है सही हो गया तो अगर यहाँ पे टेक्स्ट आता प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में तो इसका मतलब इस बंदे ने ईबीसी नहीं बनाई हुई थी ठीक है लेकिन अब मजीद और कोई दो चार एग्जाम्पल ये भी अमेजोन का अपना है इसमें भी ई बी ये बनी हुई है ठीक है ये देखें फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है ठीक है तो इसने भी ये ई बी बनाई हुई है और और प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं कोई और प्रोडक्ट ढूंढते हैं ये वाला ढूंढता हूँ एक आइडिया देना चाह रहा हूँ अभी सिर्फ ताकि आपको पता लग जाए कि ई बी के, के बगैर किस तरह की लिस्टिंग नजर आती है ठीक है और दूसरे तीसरे पेज पे चले जाते हैं ये वाला मैंने खोला था ना अभी टू रेटिंग वाला इनकी भी इनको हाँ ये देखें ये देख रहे हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ठीक है ये इस तरह से आ रही है अब देखें कितना जमीन आसमान का फर्क है कि इस प्रोडक्ट में किस कितनी अट्रैक्टिव से डिस्क्रिप्शन आ रही है और इसमें बस उसने टैक्स डाला हुआ है सिंपल ठीक है तो कोई जो है वो यहाँ पे इमेजेस वगैरह डाली नहीं है उसने अच्छा अब मैं आपको एक और भी बात बता देता हूं मुझे ये भी पता है मुझे ये भी पता है कि इस बंदे की ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है ठीक है इसने वैसे पता नहीं टाइम नहीं इसका लगा या इसने किसी को पैसे नहीं दिए जो भी इसने बनाई नहीं है प्रोडक्ट या इसको पता नहीं है ए का ठीक है लेकिन इसकी हुई हुई है ब्रांड रजिस्ट्री इसके पास अलाउड uh, है एबीसी बनाने की वो मुझे कैसे पता लगा मैं वो भी बताता हूँ वो मुझे ऐसे पता लगा कि दूसरी चीज थी स्टोर तो स्टोर कभी भी देखना हो ना जिसका बनाओ उसके ना नाम के बिल्कुल टाइटल के नीचे लिखा आ रहा होता है विजिट द स्टोर ठीक है विजिट द ये स्टोर या जो भी इसका नाम है जहां पे विजिट द लिखा होता है ना वहां हमेशा क्या होता है स्टोर उस बंदे ने बनाया होता है तो स्टोर भी उसे ही मिलता है जिसकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है तो इसका मतलब इसके अगर स्टोर है, तो इसका इसका मतलब मतलब इसके स्टोर है है इसकी ब्रांड रजिस्ट्री और अगर ब्रांड रजिस्ट्री है तो इसके बाद ई भी की इजाजत है लेकिन इसने बनाई नहीं है वो इसकी मर्जी है ठीक है और जहां पे स्टोर भी नहीं होता वहां भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखा हुआ आता है ठीक है वहां वहां पे ना सिर्फ लिखा हुआ आ रहा होगा बस कह लेंगे ब्रांड लिखा हुआ आ रहा होगा और कुछ भी नहीं आ रहा होगा ब्रांड और उसका ये देखें इस तरह आ रहा होगा ब्रांड कॉलन ये तो अब मैं इसको क्लिक भी करता रहूंगा ना तो कुछ भी नहीं खुलेगा स्टोर नहीं खुलेगा यही प्रोडक्ट है दोबारा खुल जाए ठीक है तो ये देखें ये बस वो सर्च हो गया फोर्ट सर्च बार में कोई स्टोर नहीं खुला तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास यहां पे इसका मतलब इसके पास स्टोर की ऑप्शन नहीं है स्टोर तो की ऑप्शन नहीं है ऐसे तो मैंने ये समझा कि इसने ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई हाँ अगर, अगर अब नीचे ईबीसी भी नहीं इसने बनाई तो फिर मैं पक्का कह सकता हूं कि यार इस बंदे ने ब्रांड रजिस्ट्री कराई नहीं है अगर इसकी ईबीसी बनी हुई है नहीं बनी ईबीसी ईबीसी में सिर्फ टेक्स्ट है ठीक है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सिर्फ टेक्स्ट है तो इससे मुझे पक्का हो गया कि यार ये बंदा अभी नया नया सेलर है इसने कोई ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई ठीक है ना इसके पास स्टोर की ऑप्शन है ना इसके पास जो है नीचे ईबीसी की ऑप्शन है तो इस बंदे का जो है आ, नहीं है कोई भी इसकी ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह होगी सही हो गया अब स्टोर खोल लेते हैं किसी का भी जैसे इसका खोल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल विजिट द तो स्टोर पर क्लिक करता हूँ स्टोर कैसा खुलता है अब ये स्टोर चेक कर रहे हैं आप एक अकाइंड ऑफ छोटी सी वेबसाइट खुल गई है उनकी ऊपर एक कवर फोटो आ रहा है उसके बाद नीचे इन्होंने कुछ टैब्स बनाए हुए हैं होम वर्ड्स न्यू और ये वाले और यहाँ पे पिक्चर्स और इस तरह करके बनाया हुआ है ठीक है स्टोर क्रिएशन नीचे आप फेसबुक इंस्टाग्राम इसके लिंक्स भी दे सकते हो अपने ठीक है जैसे फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो इसके नाम का फेसबुक का शायद कोई पेज खुल जाए ठीक है इसी तरह के इसने लिंक्स लगाए होंगे तो ये स्टोर की ऑप्शन भी अमेजन देता है और ये स्टोर भी इसी तरह ई की तरह आप बना सकते हो ठीक है स्टोर भी आप क्रिएट कर सकते हो इसका स्टोर देख लें इसका भी देख लेते हैं इसका भी देख लेते हैं स्टोर स्टोर डिफरेंट तरह के हो सकते हैं मर्जी है ये बहुत ईजी होता है इसमें भी मतलब ऑप्शन होती है आपने क्या किया टैब एड करना है क्या नहीं करना ठीक है तो ये इस ब्रांड का स्टोर है ये देखें ये स्टोर क्रिएट किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं इमेजेस लगाई हुई है वीडियो भी डाल सकते हो आप ठीक है और नीचे शेयर पेजेस के लिंक दिए हमें तो ये इसी तरह ये एक स्टोर है ये भी हम देख ये शायद मैंने ऑलरेडी आगे देखा है हमने ठीक है तो ये बेसिकली स्टोर और ईबीसी इससे ये जरा कंफर्म हो गया सबको क्या होता है वो पिक्चर्स कहाँ से लेंगे ये सारा कुछ मैंने बोला मैं बताऊंगा वो अभी नहीं हम डिस्कस कर रहे ठीक है ये एबीसी या स्टोर के लिए कहाँ से ये पिक्चर्स डिजाइन करनी है कहाँ से बनानी है वो मैं बताऊंगा सही है अभी नहीं बता रहा सही है ना तो ये वैसे जो चीजें दो चार बताई हैं वो क्लियर हो गए हैं सबको तो अगर मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आपको लिस्टिंग खोल के दूं और मैं कहूं कि बताओ कि इसकी ईबीसी बनी है स्टोर बना हुआ है नहीं बना या इसके पास ऑप्शन है कि नहीं ये चीजें पता कर लोगे आप चलें ठीक है सही है ठीक है अच्छा दूसरा जो है ना हमारा आज का दूसरा हमारा काम तो ये है कि बेसिकली हमने फाइबर अकाउंट क्रिएशन देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लेकिन उसमें अब जो है ना एक ये इशू है कि मैं थोड़ा सा लाइव ही दिखाना चाह रहा हूँ तो क्या आप लोगों में से कोई क्योंकि इस पीसी पे भी मैंने ऑलरेडी ऐसे बहुत बनाए मैं मुझे मसला नहीं है एक और भी बना लूंगा लेकिन मुझे फिर डर शायद कोई वो वो पता नहीं बने या वो रिजेक्ट ना हो जाए तो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो इस टाइम पीसी पे हो और उसका फाइबर का अकाउंट ना बनाओ तो मैं उसको या हम लाइव क्लास में उसका अकाउंट एक क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई ऐसा है वरना फिर मैं ये आर के थ्रू ही करके देख लेते हैं हम जो लैपटॉप से हो अभी और उसका फाइबर का अकाउंट क्रिएट ना हुआ हो अच्छा ठीक है चलें तरीम आप आपके पास एनी डेस्क भी है तो आप अपना जो है ना मुझे कर दें कोई मसला नहीं है किसी एक का भी बन जाए सबको आइडिया हो जाएगा बाकी घर जाके बना लीजिएगा अपना ठीक है ठीक है कोई इशू नहीं है तो तरीम आप, है तो आप मुझे उसका ना अपना वो नाम शेयर कर शेयर कर कर दें दें और सॉरी कोड किसी का भी बन जाए क्या फर्क पड़ता है आप लोग सब अपना खुद भी बना सकते हो ठीक है हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोगों से नहीं होगी जब आप देख लोगे एक दफा अच्छा जी अच्छा यहाँ पे जो है ना आप ज़रा एक दफ़ा अब इस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है अकाउंट क्रिएशन वाला तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गूगल का टैब ओपन कर लेते हैं हम ठीक है जो कि ऑलरेडी आई गेस हुआ हुआ है और अच्छा अच्छा यहाँ पे ना अब इनका ऑलरेडी गूगल अकाउंट भी लॉग है सही है तो आप लोग अगर तो फॉर एग्जाम्पल इसी गूगल अकाउंट से बनाना चाह रहे हैं जैसे गूगल अकाउंट जो लॉग होता है ठीक है तो आप तरीक इसी से बनाना चाह रही है ना ये जो गूगल अकाउंट है सारा कुछ उसमें मैं बताऊंगा वो आप बेफिक्र रहे वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है हाँ तो अब जो है अब फॉर एग्जाम्पल सिंपल यहाँ पे आप जाएं और फाइवर डॉट कॉम यहाँ पे लिखे गूगल पे जाके सही है ये थोड़ा सा जो है ना ये भी स्लो है तो आई होप के अच्छा जी ठीक है फाइवर डॉट कॉम यहाँ पे लिखते हैं ठीक हो गया तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है ये जो लेडीज बस कह रही है हम लोग मंडे को लड़के का भी किसी का बना लेंगे ठीक है कोई इशू नहीं है मुझे इस बात में अभी आप लोग अपना ना बनाए लेक्चर एकदम अच्छे से ले लें उसके बाद देखिएगा ठीक है अच्छा तो यहां पे जो है सिंपल जो है ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन की ऑप्शन आ रही है लिखिए ज्वाइन के ऊपर क्लिक करें ठीक है ये थोड़ा सा यहां पे ना क्योंकि हम आ, स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं एनी डेस्क के थ्रू तो थोड़ी सी जो है वो स्पीड इसमें स्लो होगी अच्छा अब यहाँ पे जब भी आप फाइवर को ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हो ना तो फाइबर आपको दो से तीन ऑप्शन देता है एक तो फाइबर कहता है अगर तो आपका फॉर एग्जाम्पल कोई सात वाले टैब में फेसबुक लॉग है ऑलरेडी ठीक है फेसबुक चल रहा है तो एक ऑप्शन देता है कि यार आप थ्रू फेसबुक बना लो ठीक है एक ऑप्शन देता है कि आप थ्रू गूगल बना लो सही है और तीसरी ऑप्शन है कि आप या तो फॉर एग्जाम्पल आपके हॉटमेल का अगर अकाउंट है आपको अगर याद तो हो हॉटमेल भी एक होता है जैसे तरह जी है, मेल है इसी तरह हॉटमेल भी होता है याहू भी होता है ठीक है अगर आपके उनके अकाउंट्स हैं या उनके ई आप आज भी यूज करते हो तो आप यहाँ पे नीचे ई टाइप करके भी वो काम कर सकते हो तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गूगल मेरा साइन अप है तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी गूगल अकाउंट कनेक्ट भी हो जाएगा तो ये तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल कर दिया यहाँ पे तो जब कंटिन्यू विद गूगल करते हैं तो आई होप के हाँ इनका ये लॉग ही नहीं है ना ये देखें ठीक है तो आपका ये वाले अकाउंट से अगर बनाना है फॉर एग्जाम्पल तो हम इसके ऊपर क्लिक कर दिया सही हो गया अब वो पूछ रहा है कि आपने जो है एक तो ऊपर मैं कल यूजर नेम आपसे पूछेगा वो ठीक है मैं दोबारा देख लेता हूं यहाँ पे ठीक है तो आपने कोई यूजर नेम लिखना है यहाँ पे तो खुद लिख लें अगर कोई लिखना है वैसे वो ये पहले इसने ऑटोमेटिकली दिया था अगर आपने खुद कोई लिखना है तो आप लिख लें यहां पे ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट ज्वाइन पे क्लिक कर सकें ठीक है।, है अच्छा यूजर नेम जो है ना वो आपको सारे अवेलेबल नहीं होंगे ठीक है सारे अवेलेबल नहीं होंगे जो हाँ जिसपे वो टिक कर देगा ना जैसे इन्होंने थर्टी थ्री लिखा है टिक हो गया है तो वो अवेलेबल है सही है अभी, था था अभी क्वेश्चन तो अच्छा, एक बात और समझिएगा यहाँ पे थोड़ी सी कि फाइवर के ऊपर भी ना बिल्कुल जिस अमेजन के ऊपर होता है दो तरह के अकाउंट होते हैं एक कस्टमर साइड का अकाउंट होता है और एक अच्छा जी यहाँ पे कोई ग्लेच आ गया वो कह रहे हैं ट्राई अगेन Uh, इसको एक दफा दोबारा क्लिक करके देख लें या शायद हो नहीं रहा मेरे पास नहीं भाई आप पता क्या करें इसको आप बंद करके अः uh, एक दफा जो है ना कोई या तो न्यू या आपने कौन सा इनकॉगनेटो खोला हुआ कि सिंपल न्यू विंडो खोली हुई है नहीं नहीं इसी का अभी एक मिनट देख लेते हैं इसी को करके देखते हैं अगर हो जाता है तो वरना जो है ना फिर क्योंकि बार बार यही नहीं कर सकते हम अच्छा जी लुक लाइक like चले एक और भी वरना हम अगर गूगल के थ्रू नहीं ना होता इसको हम ईमेल वैसे टाइप करके करके देख लेते हैं वरना ये भी एक ऑप्शन है तो ये बल्कि देख लिया हो सकते हैं। आपकी साइड पे भी आ जाए एक काम करें मैं जो है ना आपको अपने उस पर बना, बना के दिखा देता हूँ अपने जो मेरे पास दूसरा एक है ठीक है ट्राई कर लें एक दफा इसको ना वो करने की आ, कोई आप विंडो जो है वो इसको बंद करके दोबारा खोल लें अगर कोई और विंडो है आपके पास वरना फिर हम लोग जो है ना एक मैं उस पर बना के दिखा देता हूँ एक लैपटॉप पे रिकमेंडेड यही है कि आप लोग एक एक अकाउंट ही बनाएंगे सही है तो ये मैंने इसलिए पहले भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि बेसिकली आप लोगों के कोई अगर पहले तो नहीं कोई फाइवर का अकाउंट बना तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप एक लैपटॉप के ऊपर जो है ना वो ज्यादा अकाउंट क्रिएट करें ठीक है तो एक लैपटॉप पे हमेशा एक ही अकाउंट क्रिएट कीजिएगा लैपटॉप तो देखें कंपल्सरी इसलिए है कि आगे भी आपने अभी बहुत कुछ करना है ठीक है आपने जो है वो फॉर एग्जांपल आगे जाके आपने टूल्स uh, वगैरह करने है, uh, हैं डिफरेंट चीजें जो है आपने उसको यूज करना है तो लैपटॉप तो ऑब्वियसली जरूरी हो जाएगा हाँ पहला हो डिलीट करके आप एक नया बना लो वो एक और चीज़ है टू टाइप्स वाली कौन सी एक ही अकाउंट क्यों बनाना है ये सुन लें हाँ जी एक अकाउंट पे मुख्तलिफ गिग्स हो सकती हैं ठीक है, है? अकाउंट की टू टाइप्स जो है ना वो अभी बनेगा तो दिखाऊंगा वो एक बार बंद तो जाए फिर आपको बताता हूँ एक बायर अकाउंट होता है और एक सेलर अकाउंट होता है ठीक है बायर अकाउंट होता है फाइवर पे अगर आपने कुछ किसी से कोई गिग परचेज करना हो और सेलर अकाउंट होता है जिसपे हम लोग अपने गिग वगैरह क्रिएट करते हैं और हम लोग आगे सेलिंग शुरू करते हैं जिस तरह amazon के ऊपर होता है amazon पे भी ऐसे ही होता है अच्छा अभी अभी दो मिनट जरा क्वेश्चंस अपने रोक दें पहले अगर करना चाह रहे हैं तो इसको कर लें क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है ऑलरेडी तो अगर क्वेश्चंस ही करने हैं तो फिर क्वेश्चंस ही कर लेते हैं छोड़ें इसको मोबाइल साइट ऑन करके सब कुछ हो जाता है लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि टूल्स जो आगे हम यूज करेंगे ना वो नहीं होंगे अभी आप इसको रहने दो ये इस वाले इसको ना कोई मसला नहीं अगर नहीं हो रहा कोई इशू नहीं है मैं अपने उस पर करके दिखा देता हूँ ठीक है तो इसकी स्टॉप शेयरिंग हम अभी करने लगे हैं अभी इसको आप एक मिनट के लिए एनी डेस्क को भी बंद कर लो ये क्वेश्चन आंसर जो है ना वो एंड पे करेंगे कि के आ, कितने जो हैं वो हमारे फॉर एग्जांपल अकाउंट बन सकते हैं कितने नहीं बन सकते और क्यों नहीं बनाते हम क्या उसमें इश्यूज आ रहे होते हैं ठीक है इस तरह के जो सारे क्वेश्चन आंसर होंगे ना तो वो हम अभी एंड पे देखते हैं जी स्क्रीन मैंने खुद ही बंद की है अच्छा चले आ, तरीम अगर आपका हो गया तो दोबारा शेयर कर लें उसे फिर ठीक है उधर से शुरू कर लेते हैं अगर तो हो गया अब आपका तो आगे नेक्स्ट स्टेप्स भी हैं क्योंकि आप अपने जो है ना उसका एनी डेस्क का कोड दोबारा सेंड कर दें एनी डेस्क वाला कोड जो है एक दफ़ा दोबारा सेंड कर दें अफाक आप वो कर सकते हो मैंने आपको बोला है आप अकाउंट एक के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज सेल कर सकते हो लेकिन ये बहुत आगे की चीजें हैं पहले अकाउंट बनाना देख लो उसके बाद आपको ये मैंने खैर पहले भी बताई थी चीजें कि आप लोग कर सकते हो एक अकाउंट पर डिफरेंट सर्विसेज सेल इसमें कोई मसला नहीं है अच्छा सही है अब यहाँ पे जो है ना इनका वो बिल्कुल जो ज्वाइन का प्रोसीजर था वो मुझे नहीं पता पहले क्या इशू आ रहा था इनके एंड पे वो एक टेक्निकल कोई ग्लेच आ रहा था लेकिन अब इनका जो है ना वो हो गया है सही है तो अब जो ये अकाउंट इनका बना है ना यहाँ पे जिस तरह ये आ भी तो ये बना है बाइक अकाउंट सही है एक मैं स्क्रीन देख लू शेयर है नहीं? मुझे लगता है स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी जी जी स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने अच्छा यहाँ पे जो है ना बेसिकली अब ये इन्होंने ज्वाइन पे क्लिक किया ना तो इनके पास इस तरह का पेज ओपन आ गया जिसपे ये शो ये करा रहा है कि हाय यहाँ पे लिखा हुआ है और शो ये हो रहा है कि ये अकाउंट जो है ना बन गया है सही है लेकिन ये जो अकाउंट बना है ना ये अब बायर अकाउंट बना है यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं आ रही गिग क्रिएशन की या यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा नहीं आ रहा जिससे मुझे लगे कि ये सेलिंग अकाउंट बना है ठीक है 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 तो ये तक तक वैसे क्लियर सबको अभी तक, हमने सिंपल वहां पे नीचे जो ना वो पहले ईमेल एड्रेस डाला है और वो अपना एक यूजर नेम पुट किया था ठीक है तो ये बना एक बायर अकाउंट अभी सही है ये क्लियर है सबको तो सबसे पहले जो है ना हमेशा बाय डिफॉल्ट आपका बायर अकाउंट बनता है तो अक्सर जो है ना लोग फाइवर में ये कंफ्यूज होते हैं कि हमने अकाउंट तो बना लिया है लेकिन अब गेग नहीं बन रहा तो गेग इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आपका बना ही सिर्फ बायर अकाउंट है अभी है तो वो आपको स्टार्टिंग में इनिशियली बायर अकाउंट पहले आपका बना के देता है फाइवर तो आपने सिंपली क्या करना है इस जहाँ पे आपका ये बेसिकली नाम का ये अल्फाबेट आ रहा है ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपने जाके लिखना है बिकम अ सेलर कि मैं सेलर बनना चाह रहा हूँ या बनना चाह रही हूँ ठीक है जब बिकम अ सेलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना एक स्क्रीन खुलेगी वहां पे एक बटन बना हुआ आ जाएगा वहां पे लिखा होगा बिकम अ सेलर का बटन आ रहा होगा आपके पास ठीक है तो ये लोड कर ले एक दफा तो फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं सही तो है ये ये बिकॉमर सेलर का जो है यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिकॉमर सेलर के ऊपर क्लिक करते हैं और फर्दर आगे देखते हैं क्या स्टेप्स हैं हमारे पास ठीक है जी अच्छा यहाँ पे जो है अब आपसे ना दो तीन क्वेश्चन पूछेगा कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर हे इज द ब्रेक डाउन सही है तो क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल मैं कह रहा हूँ ठीक है कंटिन्यू उसके बाद ये पूछेगा कि आपका जो है व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइबर प्रोफाइल इसको भी कंटिन्यू कर देंगे वैसे और कुछ चीजें इसने बताई हुई हैं वो आप चाहो तो पढ़ लेना ठीक है आपको ऑब्वियसली इससे फायदा होगा कंटिन्यू यहाँ पे कह रहे हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीय क्लियर ऑफ ठीक है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कंटिन्यू यहां से आपका जो है ना सेलर प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट हो गई है ठीक है यहां से अब यहां पे आप फुल नेम अपना लिख लें ठीक है मैं आपको बताते रहता हूं आप अपनी चीजें खुद ही ऐड करते रहें इसमें तो यहां पे आप सबसे पहले अपना फुल नेम लिखेंगे ठीक है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लें जी आवाज सबको आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है ना सबको ठीक है सही है आपने यहाँ पे अपना जो है वो नाम लिख दिया नीचे आ जाए प्रोफाइल पिक्चर की ऑप्शन आ रही है अच्छा प्रोफाइल पिक्चर से रिलेटेड मेरी एक बात याद रखिएगा प्रोफाइल पिक्चर आपने ना कोई ऐसी नहीं लगानी जो कि ऑलरेडी कहीं आपकी फेसबुक या इंटरनेट के ऊपर कहीं गई हो ठीक है या आप इंटरनेट से उठा के नहीं लगानी अगर आप फॉर एक्साम्पल इंटरनेट से उठा के लगाओगे ना तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपकी जो इमेज है ना अभी अभी साथ ही आप अभी, मतलब करके देखना जो तो कर सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आप लगाओगे साथ ही नीचे नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है रिमूव कर दी गई है क्योंकि वो खैर फाइबर को नहीं लगा कि ऐसा के इशू आ रहा है इसमें अब दो ऑप्शन है ठीक है एक तो आप ये करो कि आप क्या करो कि नहीं आप एक नई भी बना सकते हो हाँ ये मैं भी बताने लगा हूं, फीमेल्स का मोस्टली ये क्वेश्चन होता है जो कि मैं अभी पहले ही बताने लगाऊँ कि जी प्रोफाइल पिक्चर कंपलसरी है मतलब हम अपनी लगानी है किस तरह करना है किसी और की लगा सकते हैं ठीक है तो उसके अंदर आप हाँ ये काम कर सकते हो कि अगर आप इधर साइड पे फॉर एग्जाम्पल कैनवा ओपन कर लो या पेंट ओपन कर लो कुछ भी कर लो ठीक है कोई सिंपल पेंट ओपन कर लो आप इधर कोई पेंट का टाइप ओपन कर लें सिंपल हाँ वो इसलिए रिमूव हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो अगर आपकी लगी हो आ, कोई पिक्चर जो ऑलरेडी ऑनलाइन कहीं फेसबुक पे शायद आपने लगाई हो कहीं और लगाई हो तो इस तरह की पिक्चर्स पे इश्यूज आ जाते हैं तो आप ये कर सकते हो आप अपने नाम का ही कोई छोटा मोटा लोगो टाइप बना लो पेंट में जाके बना लो ठीक है यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट एड करो अपना नाम लिखो ठीक है या कोई अल्फाबेट लिख लो सिंपल पीछे एक बैकग्राउंड कलर दे दो और उसको पिक्चर को सेव करके लगा के देखो सही है जैसे अभी यहाँ पे मैं वरना कर देता हूं अगर आप नहीं कर रहे तो ठीक है यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ये नाम लिख लिया और इसके बल्कि ना अल्फाबेट कैपिटल कर लेते हैं ठीक हो गया इसको हमने थोड़ा सा जो है ना साइज जो है इसका इंक्रीज कर देते हैं और अभी ये मैं रैंडमली कर रहा हूँ वैसे मैं आपको बाद में सॉफ्टवेयर बताऊंगा जैसे कैनवा वगैरह जो है ना बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर बड़ा आसानी से काम हो जाते हैं सही है तो यहाँ पे तो भी ऐसी रैंडम सा हम एक डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप इसी को कर लें सेव ठीक है इसको ना इमेज को सेव कर लें और बाद में इसको अपलोड कर दें वहां पर प्रोफाइल पिक्चर में तो ये एक इमेज लगा के देखते हैं कि ये तो नहीं वो रिमूव करता यार ऑनलाइन का मतलब क्या होता है मतलब ऑनलाइन गूगल पे इंडेक्स हुई हो वो लिंक्डइन पे हो जहाँ मर्जी हो वो उस पर हो जाती है ऑनलाइन लिंक्डइन भी ऑनलाइन ही है ना नहीं अगर आपने इंटरनेट से उठा के कैनवा पे एडिटिंग करनी है तो फिर अपनी पिक्चर पे बना लो सिंपल कैनवा से खैर ये तो मुझे लग रहा है डिजाइन भी बहुत छोटा बना होगा खैर चले देखते हैं अभी एक दफा अपलोड हो जाए अच्छा चले ये अभी जो है ना लग तो गई है पिक्चर लेकिन ऑब्वियसली ये कोई इतनी अच्छी नहीं लगी पिक्चर ठीक है लेकिन इसको मैं बाद में इंशाल्लाह आपको कैनवा पे एक पूरा लेक्चर दूंगा तो कैनवा से हम अच्छे अपने नाम के लोगों या अपने नाम का कुछ ना कुछ भी बना सकते हैं लाजमी ठीक है तो लेकिन अभी सिर्फ आपको बताने के लिए ये चीज मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है कि आप इस तरह से एक अपनी अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ फीमेल्स को इश्यू आता है कि जी हम अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहते तो आप अपने नाम का कोई लोगो बना लो कोई इस तरह की चीज कर लो ठीक है तो आप वो करके कर सकते हो यहाँ पे सही है तो अभी मैंने सिर्फ क्योंकि टाइम ज्यादा ना लगे इस वजह से हमने अभी इधर कैनवा या खोल के उन्हीं नहीं कराया क्योंकि तो फिर कैनवा पे आप लोगों के हजार सवाल हो जाने थे शुरू अभी सही है ऐसे अभी मैंने अभी पेंट उठा लिया ताकि पेंट पे आप लोगों के क्वेश्चन ना हो सही हो गया तो अब आप नीचे आ जाए प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आ जाए थोड़ा स्टेप समझ समझें क्योंकि ये आगे थोड़े लेंथी भी हो सकते हैं और टाइम आप लोगों के पास शॉर्ट है इसको नीचे कर लें अच्छा यहां पे अब आप वो आपसे पूछा कि डिस्क्रिप्शन अपनी दें आप ठीक है डिस्क्रिप्शन क्या होती है ये अच्छा खैर ये मैं वैसे आपको बता रहा हूं ये चीजें ना चेंज भी हो जाएंगी तो ये इश्यू नहीं है अभी आप अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे यहाँ पे जो मर्जी लिख लें ये सब कुछ बाद में चेंज भी हो सकता है जब अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है सही है तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है डिस्क्रिप्शन में चार से पांच या छह लाइन्स होती हैं आपके अपने बारे में आपने बताया होता तो है जैसे नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि okay, जी अः मेरा फॉर एग्जाम्पल दो साल का एक्सपीरियंस है मैं फॉर एग्जाम्पल एमेजोन के ऊपर काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ठीक है या मेरे पास एक्सेल का एक्सपर्टीज भी है ठीक है मेरे पास डिजाइनिंग की एक्सपर्टीज भी है जो भी आपका तीन चार लाइन्स में डिस्क्रिप्शन होती है अब मैं इसकी एग्जाम्पल भी दे देता हूं अब आप लोगों में से बहुत से लोग शायद ऐसे हों ठीक है जो शायद ये बात करें कि नॉर्मली ये भी आता है इशू लोगों को जो कहेंगे मतलब हमें नहीं समझ आती किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखें या इवन के चले इंग्लिश में पांच से छह लाइन लिखने में भी हमें इशू होता है ठीक है हो सकता है हो कोई तो उसके लिए भी एक आसान तरीका ये है कि आप फाइवर खोलें फाइवर नहीं तो अपवर्ड खोल लें साइड पे ठीक है अपवर्ड नहीं लिंकड कुछ भी खोल लें ठीक है आप वहां से भी जाके देख सकते हो बेसिकली पहले तो आपने ये देखना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाह रहे हो किस फील्ड में जाना चाह रहे हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग एमेजॉन वी की कैटेगरी में जाना चाह रहे हो ठीक है तो आप क्या करो कि यहाँ पे जैसे आ, आप मैंने ये फाइबर डॉट कॉम खोला है ना तो यहाँ पे अमेजोन वी की कैटेगरी के जो है ना वो मैं तीन चार लोगों की प्रोफाइल्स खोल लेता हूँ ठीक है वो तीन चार लोगों की जब मैं प्रोफाइल्स खोलूंगा ना तो उसमें भी एक डिस्क्रिप्शन लिखी होगी ठीक हो गया तो उनकी डिस्क्रिप्शन जो है अब मैं ये नहीं कह रहा आपने कॉपी करनी है कॉपी नहीं करनी है आपने ठीक है आपने क्या करना है कि इन चार से पांच लोगों की प्रोफाइल्स खोल लो यहाँ पे जो भी आपके कंपेरेटर हैं उसी एग्जैक्ट कैटेगरी के अंदर और साइड पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लो ठीक हो गया तो अभी बल्कि जो है ना क्योंकि ये मेरे पास थोड़ी स्पीड आपकी स्लो आ रही है तरीन तो आप क्या करो कि यहाँ से तीन या चार ना ये गेट्स को ओपन कर लो इनके लिंक्स ठीक है ये तीन से चार गेट्स ओपन कर लो आप जो टॉप पे आ रहे हैं सही और साइड पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी खोल लो सही है अभी आप गेट्स पे वापस आ जाओ जी गेग्स वाले पेज पे जो है ना वापस अच्छा आ जाओ अभी तक हमारे पास अच्छा ये रहा है ठीक है नीचे आए थोड़ा सा नीचे आएंगे ना जहाँ पे इस बंदे का नाम लिखा होगा वहाँ से प्रोफाइल खुल जाती है ठीक है जहाँ पे नाम लिखा है ना उसको क्लिक करेंगे तो उससे भी प्रोफाइल खुल जाएगी तो इनकी प्रोफाइल खोल लें बेशक सबकी खोल एक दफ़ा ठीक है उससे क्या होगा कि प्रोफाइल के अंदर जाके हमें एक डिस्क्रिप्शन का मिलना शुरू हो जाएगा कि लोगों ने या आपके जो ऑलरेडी फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं उन्होंने कैसी कैसी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं ठीक है थीके? क्योंकि बहुत सी चीजों में हमें आइडिया चाहिए होता है इवन की आप ये देखोगे अमेजोन वगैरह पे भी हम काम कर रहे होंगे ना तो एक कंपेरेट एनालिसिस बहुत जरूरी होता है ठीक है कि ऑलरेडी मार्केट में क्या चल रहा है हम अपनी मर्जी से तो कुछ भी हर चीज अपनी मर्जी से नहीं ना कर सकते हम तो हमें एक कंपेटेटिव एनालिसिस लेना पड़ता है कि मार्केट में क्या चीज चल रही है इस टाइम तो हम भी ताकि उस हिसाब से मार्केट में अपने आप को लॉन्च करें या अपने आप को जो है उस हिसाब से मार्केट में लेके आए सही है तो यहां पे जो है आप आराम से प्रोफाइल्स खोलो सबकी उनकी डिस्क्रिप्शन को जो है ये बाद में सबको चेंज हो जाता है बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए अच्छा आप एक मिनट जो है ना एक मिनट के लिए इसमें ना मैं आपको आप लोगों को बल्कि मुझे ये बताइएगा ये डिस्क्रिप्शन की हद तक वाली जो चीज है ना वो मैं आपको यहां से बता देता हूँ आपको ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको एक मिनट के लिए आप उसमें स्टॉप कर दें एनी डेस्क ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ठीक है ठीक है यहाँ पे थोड़ा स्पीडली काम हो जाएगा तो हम मैं यहाँ पे आपको दिखाया था Amazon वी लिखा मैंने जाके ठीक है एक सिंपल फाइबर की वो खोली और यहां पे जो है ना मैंने ये तीन से चार जो टॉप पे बैठे थे ना लोग इनकी प्रोफाइल खोल ली सही हो गया अच्छा यहां पे अब देखें अब इन सबने अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी इन्होंने क्या लिखी हुई है जरा एक दफा पार्ट भी लेते हैं कि हाय, ठीक है, और और ये Amazon के कुछ मॉड्यूल्स मैंने आपको कोर्स कंटेंट में भी दिखाएं हम लोग इनशाला कवर करेंगे जिसमें क्या आता है कि Amazon प्रोडक्ट रिसर्च आगे सोर्सिंग आ जाती है लिस्टिंग आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन पीपीसी ठीक है प्रमोशन क्रिएशन प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोडक्ट लॉन्चिंग रैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक हो गया अभी आप लोग ये कह रहे हैं अभी आप किसी का यहाँ पे क्वेश्चन था मैं देख रहा था कि ये सर आ, मतलब हमें तो पहले पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है क्या नहीं तो मैंने आपको यही बोला है ये चेंज हो जाती है बेशक हजार दफा चेंज कर लो तो ये आप क्या करोगे ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन जो जो चीज सीखते जाओगे वो वो एड करते जाना इसमें बाद में ठीक है तो कोई मैं अभी आपको नहीं कह रहा कि यहाँ पे उठा के जो है ना दस लाइनों की कोई डिस्क्रिप्शन लिख दो अभी उतनी लिखो जितनी खुद आप कर सकते हो खुद लिख सकते हो ये जो सिर्फ प्रोफाइल्स खोल रहा हो ना ये ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आइडियाज उठाएं ठीक है लोगों ने किस तरह से लिखा हुआ है आप यहाँ से आइडियाज लो और बनानी अपनी डिस्क्रिप्शन खुद ही है सबने ठीक है ये कोई एस से रिलेटेड बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे देख ली है इन्होंने भी लिखी हुई है की जी अः मैं ऑलरेडी कोई कंपनी रन कर रहा हूँ पांच साल का एक्सपीरियंस है और ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन डाली हुई है ठीक है इसी तरह इन्होंने भी अपना कोई बताया हुआ है ठीक है और उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से स्केल्स पे ये काम करते हैं कौन कौन से स्केल देने आते हैं इन ठीक है तो इन शॉर्ट ये मैं अब आपको वर्ड वाला पूरा अभी यहाँ पे मतलब हम नहीं कर रहे हैं लेकिन टाइम शॉर्ट है कि मैं आपको वैसे रहा सबके डिस्क्रिप्शन कॉपी करके एक वर्ड के उसमें डालें और उस सब में से आप एक एक दो दो लाइनें आराम से उठा सकते हो ठीक है इजीली आप लोग एक एक दो दो, -दो लाइन उठा सकते हो वो मैं बता देता हूँ वो कोई मसला नहीं है ठीक है जिनके बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंसेस भी है ना या जो कह रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली एक जब आप कोर्स कर रहे हो तो उस कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर आपका पहली बात तो ये है कि तीन माह का तो कोर्स ही हो जाता है आपका ठीक हो गया उसके बाद जो है आप और कोई इसमें इशू नहीं है आप वन टू टू ईयर्स डाल भी दो तो कोई ऐसा इशू नहीं होता ठीक है लिखने में कोई मसला नहीं है लेकिन ये कि आप एक्सपी प्रैक्टिस करोगे चीजों को बाद में कोर्स के दौरान भी और बाद में भी करते रहोगे ठीक है खैर आपस में जो है ना थोड़े से क्वेश्चन कम कर लें क्योंकि आपस में आप जो पूछ रहे हैं जो बता रहे हैं वो मैं देखता हूँ अक्सर चीजें गलत भी बता रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन जो है ना इसकी इसके अंदर की नहीं होते हैं ठीक है तो इसलिए जो है आ, वो आप लोग थोड़ा सा अगर लेक्चर की तरफ देख लें तो आपको पता लग जाएगा की वर्ड यूज होने हैं कहाँ नहीं होने है। सही है तो क्वेश्चन जो है ना अपने इसलिए अभी रोक लें अच्छा आप जो है ना वापस अकाउंट क्रिएशन की तरफ आ, वाली हम विंडो की तरफ जाते हैं पर्सनल इन्फो पे ठीक हो गया तो यहां पे बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन डाल देंगे तो अभी मैं रेंडमली सिर्फ एक डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाय माय नेम इन आई हैव बीन वर्किंग वर्चुअल ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं हम अभी अभी मैं रैंडमली एक दारों बाद में हम चेंज करते रहेंगे आई हैव बीन वर्किंग एजुअल असिस्टेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिख दें टू इयर्स ठीक है और यहाँ पे कोई एक दो लाइंस और ऐड कर लेते हैं ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मिनट ठीक है अभी मैं अभी यहाँ पे जो है ना रैंडम चीज़ें कर रहा हूँ तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा इसको वो आ, अगर कोई स्पेलिंग या कोई मिस्टेक हो तो खैर फ़िलहाल इग्नोर कर करने कोई इशू नहीं है ठीक है ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बता रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग में जो है जी बड़े एक्सपर्टीज हैं ठीक है इसको आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको हम लाइन वाइज भी लिख सकते हैं जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग से भी पहले बल्कि मैं कहूँगा कि हम लोग अगर लिखें यहाँ पे Uh, तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी फॉर्मेशन कर लें इसे यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे ऐसे कर लें यहाँ पे इसको कर लें फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेडमार्क का लिखना है वो लिख लें फिर उसके बाद हमने लिखना है अमेजोन अकाउंट क्रिएशन ठीक हो गया और फॉर एग्जाम्पल उसके बाद अभी हम चीजें सीखेंगे आगे इनशाला तो वो भी ऐड करते रहेंगे ठीक हो गया तो अभी मैं इतनी लिख देता हूँ तो यहाँ पे एंड पे एक लाइन और लिख देते हैं uh, ठीक है। सही हो गया। अभी मैंने एक रैंडम डिस्क्रिप्शन बाद में ऑब्वियसली इसको इम्प्रूव करते रहेंगे उसके बाद नीचे ऑप्शन आती है हमारे पास के लैंग्वेजेस कौन कौन सी आपको आती हैं। तो यहाँ पे आप वो सारी लैंग्वेजेस ऑब्वियसली डाल दो जो आपको आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो इंग्लिश जरूरी है कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश को ठीक हो गया मैंने इंग्लिश पुट कर दी और एक्सपीरियंस लेवल अब आपका जितना भी आप conversational है आप उस हिसाब से कन्वर्सेशनल है कन्वर्सेशनल लिख दें फ्लुएंट है फ्लुएंट लिख दें बेसिक है बेसिक लिख दें ठीक हो गया और इसको ऐड कर दें इसी तरह और आप उर्दू भी ऐड कर लो यहाँ पे ठीक है उर्दू को ऐड कर दिया उर्दू आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो नेटिव पर क्लिक करके ऐड कर लें उसके बाद आप यहाँ पे अगर हिंदी आपकी सिर्फ बेसिक है कि आप हाँ सुन सकते हो ठीक है कन्वर्सेशनल है या बेसिक है तो बेसिक में डाल दो क्योंकि हम सुन तो सकते हैं ना जो बोलते हैं तो वो हम समझ लेते हैं इसी तरह अगर किसी के पास हो सकता है आप में से किसी के पास कोई और लैंग्वेज का भी स्किल हो तो वो यहाँ पे वो डाल सकता है कोई इश्यू नहीं है ठीक है वो डाल दे अच्छा नेक्स्ट की है नेक्स्ट पे अब वो मुझसे पूछे ऑक्युपेशन पूछ रहा है तो ऑक्युपेशन क्या है तो यहाँ पे बेसिकली हम वो नीच बताते हैं वो कैटेगरी बताते हैं जिसमें हम जाना चाह रहे होते हैं काम करने के लिए सही है तो हमने उस दिन देखा था कि वर्चुअल असिस्टेंट का जो है ना ये आपका इसमें आ रहा होगा Uh, इसमें तो नहीं लिखा आ रहा कहीं अभी देख लें ये आ गया ठीक है वर्चुअल असिस्टेंट का लिखा आ रहा है ठीक है यहाँ पे वो फ्रॉम ईयर टू ईयर एक्सपीरियंस पूछ रहा है तो ये मैंने आपको बोला कोई मसला नहीं है अगर आप फॉर एग्जाम्पल डाल भी दो तो अगर ये टू ट्वेंटी वन से टू ट्वेंटी टू मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल ठीक है और यहाँ पे आप टू से फाइव स्किल्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पर uh, मैंने यहाँ पे ये किया और uh, एक मिनट इसको अगर मैं जाऊं डिजिटल मार्केटिंग में चलिए अभी मैं बस यहीं से कर दे तो डेटा एंट्री कर दिया मैंने ठीक है और फॉर एग्जाम्पल मार्केट रिसर्च कर दी कोई लीड जनरेशन कर लिया ये तीन चार स्किल्स जो है प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ठीक हो गया उसके बाद अब यहाँ पे एक सेक्शन आता है आपके पास स्किल्स का अच्छा स्किल्स के सेक्शन में क्या है आपने यहाँ पे वो सारे स्किल्स ऐड करने हैं जो आपको आते हैं अब यहाँ पे आप वो वाले भी कर सकते हो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वर्ड बहुत अच्छा यूज करना आता है आपको एक्सेल बहुत अच्छा यूज करना आता है आप उसके बारे में भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा कि मेरे पास एक स्किल है एमेजोन वी का ठीक है तो अगर तो ये नीचे आ रहा है ठीक है वरना सजेस्टेड में करोगे ना तो पेंडिंग पे चला जाता है तो मैं यहाँ पे अलहदा अहैदा से कर लेता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग फॉर एग्जाम्पल एक कर लेता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ये देखें आ गया प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट हंटिंग किया और जो भी बिगनर हो इंटरमीडिएट हो एक्सपर्ट हो वो करके ऐड कर दिया ठीक हो गया इसी तरह आगे जाके फॉर एग्जाम्पल आप सीखते हो अगर यहाँ देख लो कंपनी फॉर्मेशन का आ रहा है तो वो पुट कर लो ठीक है कंपनी फॉर्मेशन का आ गया स्किल इसका आप बता दो आप इंटरमीडिएट हो एक्सपर्ट हो वो ऐड कर दिया ठीक है इसी तरह स्किल्स आप जितने आपको आते हैं आप ऐड करो जैसे डाटा एंट्री का अगर स्किल है तो वो भी ऐड करो ठीक है उसमें आप एक्सपर्ट हो तो ऐड करो बिल्कुल और इसी तरह जो जो सीखते जाओगे वो स्किल्स हम इनशाला यहाँ पे ऐड करते रहेंगे ठीक है उसके बाद आपके पास आता है एजुकेशन का टैब एजुकेशन में आप वैसे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ एजुकेशन हो गया और नीचे इससे आ गया सर्टिफिकेशन इन दोनों में कोई आपसे जो है ना फाइबर कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगता ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब अपनी मर्जी से बेशक एम या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डालते रहो ठीक है आप अपने ही डालो कोई इसमें इशू नहीं है ना इससे कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता है सही तो है कोई इससे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है एजुकेशन वगैरह से लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ये आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख दू ना अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ जी सी यू लाहौर तो यहाँ पे जो है खैर कोशिश करें कि ऐसे लिखें जो ये सर्च कर लें ठीक है मैं पूरा लिखता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर या आ गया था दोबारा जी सी यू डालता हूँ फिर आ जाएगा अच्छा जी ये मैंने ऐड कर दिया जो आपकी डिग्रीज हैं आपके पास वो लिख लें जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर एम बी ए की है किसी ने एम एस की है किसी ने पी एच डी की है ठीक है जो भी की है एल एल एम की एल एल बी की है फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ पे एम एस सी की है मैंने एम एस सी को क्लिक कर दिया और मेजर में जो है वो आप अपना पुट कर सकते हो जो भी आपकी बेसिकली डिग्री की होगी ना जैसे कंप्यूटर साइंस है या अगर आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कंप्यूटर साइंस है मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो पुट कर दी है तो वो हम यहां पे पुट कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो आप लोग वो पुट कर सकते हो और यहाँ पे ईयर आप पुट कर लो जोन सा भी ईयर है आपका फॉर एग्जांपल आपकी अगर डिग्री अभी खत्म हो गई है तो ठीक है अगर किसी और ईयर में होनी है तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल किसी की टू ट्वेंटी टू में हुई है तो यहाँ पे ऐड कर दिया आपने अब यहां पे इसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा कि इस डिग्री का मुझे प्रूफ दो आप ठीक है कि कोई प्रूफ है आपने डिग्री की है कि ना ये आपसे मांगता है फाइवर इसी तरह सर्टिफिकेशन में भी आप ऐड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एमेजोन बी का कोर्स किया है आपने इधर से ई e रोजगार से ठीक है तो आप यहाँ पे ई e रोजगार लिख दो और यहाँ पे ईयर आपने अगर थाउजेंड टू में किया है आप ऐड कर लो ये आपसे कोई सर्टिफिकेशन का डॉक्यूमेंट नहीं मांगता सही हो गया उसके बाद पर्सनल वेबसाइट की जो है ना ये ऑप्शनल है आपके पास है कोई अपनी वेबसाइट का लिंक बना हुआ तो दे दो नहीं बना तो कोई मसला नहीं है ठीक है ये आप स्किप भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है आप कंटिन्यू कर लो इसको ठीक है जैसे ही आपने कंटिन्यू किया लास्ट स्टेप्स पे हम हाँ आ गए हैं ठीक है यहाँ पे आपका गूगल ये वो कह रहे हैं कि बेसिकली लिंक्ड अकाउंट्स कौन कौन से हैं आपके तो गूगल का अकाउंट आपका यहाँ पे ऑलरेडी लिंक्ड है और फेसबुक ये लिंक्ड अकाउंट का मैं थोड़ा सा बता देता तो हूँ इसका फायदा ही होता है नुकसान कोई नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कल को आपके पासवर्ड भूल जाओ कुछ मसला हो जाए तो आप फेसबुक के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो अपना फाइबर का अकाउंट ठीक है तो आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहो तो कर लो ये सारे अकाउंट्स को फेसबुक को भी कर लो ट्विटर का जिसके पास है ट्विटर का कर ले वैसे गूगल का हुआ हुआ है तो वो इनफ है एम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर दें यहाँ पे आप दो अकाउंट सिक्योरिटी के लिए चीजें मांगते हैं एक तो आपका ई और एक आपका फोन नंबर तो फोन नंबर में अब आप यहाँ पे अपना फोन नंबर एड कर लो ठीक है ई ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया हमने ई पे उसकी आया था तो कर लिया था तो यहाँ पे जो है आपसे कंट्री ऊपर पूछ रहा है और नीचे आपसे नंबर पूछ रहा है ठीक है तो वो आप नंबर पुट करके आप वेरीफाई बाय एसएमएस कर लो ठीक है तो नंबर के लिए अगर आपने तो बेशक छुपा लें अगर नहीं छुपानी तो आप यहीं पे लिख के कर लें ठीक है तो ये यहाँ पे सिंपल नंबर ऐड करेंगे नंबर पे कोड आ जाएगा और नंबर से जो है फिर ये भी इनका वेरीफाइड हो जाएगा कि ईमेल भी वेरीफाई हो गया और फोन uh, नंबर भी वेरीफाई हो गया ठीक है तो ये लास्ट स्टेप है इसके बाद क्या होगा इसके बाद वो आपको गेग क्रिएशन की तरफ ले जाएगा ऑटोमेटिकली पहले ऐसे नहीं होते थे पहले होता था अकाउंट बन जाता था ठीक है अकाउंट के बाद आगे आपके पास मर्जी होती थी ऑप्शन होती थी कि आपने जो है वो गेग अभी बनाना है नहीं बनाना लेकिन अब जो है अब क्या होता है कि अब ये होता है हाँ जी स्क्रीन खुद ही ऑफ कराई है ठीक है अब ये होता है कि नॉर्मली वो आपको जैसे ही अकाउंट क्रिएट होता है सीधे गिग क्रिएशन की तरफ ले जाता है ठीक है तो मेरी आवाज आ रही है ना आपको इधर ही है हम वो नंबर ऐड कर लें तो वो दोबारा स्क्रीन शेयर हो जाएगी गिग ऑबियसली हम अभी नहीं बनाएंगे गिग हम अभी नहीं बना रहे गिग के ऊपर भी थोड़ा टाइम लगे और गिग से पहले भी हमने कुछ चीजें देखनी क्योंकि मैं भी देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से के लेवल वन लेवल टू क्या होता है तो वो उसका भी हम एक पूरा सेशन रखेंगे अभी फाइबर की जो है ना पूरी डिटेल्स नहीं है सबके पास तो वो एक लेक्चर में मैं आपको सारे लेवल्स के बारे में भी बता दूंगा लेवल्स कौन कौन से होते हैं क्या क्या होते हैं ताकि एक आइडिया आपको फाइबर पे काम करने से पहले आपको प्रॉपर फाइबर का नॉलेज हो पूरे उसके फाइबर के डैशबोर्ड का आपको आइडिया हो चीजों का सही ये कहाँ पे लिखा है ये अभी मेरे सामने तो कहीं नहीं लिखा आ रहा था ये आप कहां पे कह रहे हैं लिखा हुआ है अच्छा मैं इसको एक मिनट रिट्राई कर लूं आपका जो है ना फाइबर वो मैं अभी अभी बस ये खत्म हो रहा है ना सेशन इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ही जाते हैं वो भी मैं बताता हूं सही आपको आपको और गारंटी कोई भी नहीं आपने गारंटी पूछी है कि शोटी पूछिए शोटी आपको कौन देता है कोई भी नहीं देता आप क्या मतलब आपको क्या लगता है कौन शोटी देगा फाइबर पे कि आपको इतनी सेल होगी कोई शोटी नहीं दे रहा ये तो बात क्लियर है ये मुझे नहीं पता आपको कि किसी ने गलत गाइड किया है तो so, सिंपल यहाँ पे हमने फिनिश किया तो उसने कहा यू आर ऑलमोस्ट डन अब मिनिमम कंप्लीशन रेट वो कह रहा है सिक्सटी फाइव परसेंट होना चाहिए तो वो कह रहा है एड योर पर्सनल वेबसाइट तो पर्सनल वेबसाइट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है वहां पे जाके ना हम क्योंकि इसका Uh, ये दो तरह से कंप्लीट हो हो सकता सकता है है तक ना तो कंप्लीशन रेट एक ये हो है कि आप लिंक अकाउंट में जाके अपना फेसबुक भी लिंक कर लो ठीक है उससे बढ़ जाएगा उससे ना भी बढ़े तो आप अपनी ये जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन थी इसमें आपने नीचे जो यहाँ पर किया था ना ये पर्सनल वेबसाइट कोई मसला नहीं है जाके सिंपल डब्ल्यू जो है ना अपने नाम से डॉट कॉम लिख दो फाइवर को इससे कोई मतलब ना ये कहीं शो नहीं है ठीक है उन्होंने यहाँ पे लिखा भी होता है कि ये प्राइवेट है ये देखें प्राइवेट लिखा हुआ है शो भी नहीं कहीं होती तो आप इस तरह भी कर सकते हो तो ये ऊपर जो है ये वाला मुझे लगता है ऑप्शन रह गया ये सही से सेक्ट नहीं हुआ था तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अब इसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कर देता हूँ ठीक है जैसे कि यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी टू से फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी ट्वेंटी टू और यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग कुछ भी अभी रैंडमली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे चीजें ई कॉमर्स मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग ये हमने कर दिया और यहाँ पे ना शायद ऐड की ऑप्शन होगी कहीं पे अब मुझे पता नहीं शो नहीं हो रही यहाँ पे इसको मैं एक दोबारा देख लेता हूँ करके ये मेरे पास आपकी स्क्रीन ना प्रॉपर शो नहीं हो रही है तो अगर आप देखो कहीं पे ऐड की ऑप्शन तो नहीं आ रही हाँ यहाँ बस ठीक है ठीक है खैर इसको हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट पे और कंटिन्यू और अभी ये देखिए कंप्लीशन रेट आपका सेवेंटी परसेंट हो गया ऊपर ठीक है देखिए यहां पे सेवेंटी परसेंट आ रहा है तो अब 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 कोई मसला नहीं है और अगर आप फेसबुक अकाउंट भी अटैच कर लो तो मजीद ये एटी परसेंट हो जाएगा या और बेहतर हो जाएगा तो आप उस तरह भी कर सकते हो इस तरह भी कर सकते हो आपकी मर्जी है अब मैंने जब फिनिश किया तो उसने कहा योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट ठीक है आपका अब सेलर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया अब यहां पे मैंने डन किया ठीक है और यहाँ पे अब क्या हुआ ये देखें उसने साथ ही मुझे ना जो है ये गिग का पेज ओपन कर दिया कि आप अब अपना गिग बना लें ठीक है पहले क्योंकि और साहब होते थे मैंने आपको पहले भी बताया है तो पहले ना टेस्ट वगैरह भी नहीं होते थे इंग्लिश टेस्ट वगैरह अब जो है ना ये कई कैटेगरीज के अंदर इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट करता है वो मतलब तो उन्होंने जरूरी कर दिया है कि वो आपको एक इंग्लिश टेस्ट भी देना पड़ता है फिर आपका गिग पब्लिश होता है ठीक है तो पहले फाइवर पे ये काम नहीं होते थे जिस तरह अपवर्क पे अगर किसी को याद हो तो पहले अपवर्क की जगह ऑडेस्क होता था अगर किसी ने कभी काम उस पे किया ऑडेस्क पे तो ऑडेक्स के ऊपर ना ऑडेक्स रेडीनेस टेस्ट होता था एक ठीक है इस तरह के ऑडेक्स पे भी पहले टेस्ट होते थे वो बहुत पुराने मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूँ ठीक है तो टेस्ट वगैरह उधर से शुरू हुए थे तो फाइवर पे पहले नहीं होते थे ये टेस्ट पे बस आपने अकाउंट बनाया गिग बनाए बेचो लेकिन अब उन्होंने ना रिक्वायरमेंट कर दिया कि इंग्लिश के टेस्ट वगैरह भी आपको क्लियर करने हैं ये वो सारा कुछ तो वैसे तो आई एम प्रेटी श्योर कि माशाल्लाह आप लोग सारे सीनियर ऑफ एजुकेशन वाले हो तो आपको वो बेसिक इंग्लिश टेस्ट होता है तो वो मेरा ख्याल से तो आप लोग इजीली दे लोगे ठीक है लेकिन खैर अगर कोई इसमें इश्यूज आएंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे मसला कोई नहीं है यहाँ तक अब एक फाइवर की प्रोफाइल बनाने का तरीका समझ आ गया है सबको ये कोई मुश्किल नहीं थी वैसे ये सिंपल जैसा फेसबुक या और चीजों के अकाउंट बना रहे हैं उसी तरह ये अकाउंट बनते हैं सही है अच्छा अब जो है ना अब आप आ, आप चाहो तो तरीन इसको आप बंद कर लो आ, स्क्रीन शेयरिंग को और अब जो है ना आप लोगों के जो दो चार क्वेश्चन है ना थोड़े बहुत वो पूछ लें बस ठीक है कि वो जो आप कह रहे थे कि एक अकाउंट पे जो है वो कोई एक कंप्यूटर पे जो है वो दो अकाउंट्स नहीं बनाने वो मैं अब आपको बत, वैसे बता रहा हूँ एक लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ठीक है हाँ जी गेगा इनशाला नेक्स्ट वीक और भी कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे उसमें पोर्टफोलियो जो है ना मैं आपको वैसे बता रहा हूँ वो आपका साथ साथ बनता जाएगा अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना चीजों की स्पोर्ट्स के दौरान ठीक है स्पोर्ट्स के दौरान अगर अच्छा मैं आपको एक और बात भी बता दूं ओवर टाइम के आप लोगों को इशू है मुझे देखने इश्यू नहीं है ठीक है तो मैं तो ओवर टाइम भी दस पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा भी देने के लिए तैयार होता हूँ हर लेक्चर में लेकिन खैर चले हम इसको बंद कर देंगे अभी टाइम से मुझे इशू नहीं है नेम रियल हो तो बेहतर है नेम रियल हो तो बेहतर है ठीक है और जो है ना आपका पोर्टफोलियो मैं कहा था अगर आप लेक्चर पूरा लेते रहेंगे ना साथ साथ तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा सोर्सिंग करेंगे असाइनमेंट दूंगा वो आपका एक पोर्टफोलियो भी बनता रहेगा वो भी तो बेसिकली आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना तो वो आपका एक पोर्टफोलियो भी बनता रहेगा आप प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली कोई हंड करके लाओगे मेरे पास ठीक है तो आप कल को लिख सकते हो फाइबर पे मैंने इतने प्रोडक्ट हंड किए हुए हैं इतनी मैंने मतलब क्लाइंट से सोर्सिंग से रबे किए हुए ठीक है या कोई इस तरह की चीजें ठीक है ईबीसीपी जैसे आप चाहो प्रैक्टिस के लिए मेटर से पंद्रह बना लो ईबीसी ठीक है अभी आप सेले, सेले अकाउंट अभी नहीं बनाने की जरूरत तो अभी तक हम मतलब उसकी तरफ आए नहीं है कोई काम नहीं अभी हमने करना सेले सेंट्रल के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग में भी हमने कोई काम नहीं करना उसके ऊपर हाँ जिनके ऑलरेडी बायर अकाउंट बने हुए हैं वो इस से अकाउंट बना ले बिल्कुल Uh, साथ आपके डिफरेंट लैपटॉप्स पे अगर अकाउंट हो इंटर कनेक्शन सेम हो तो मैं वैसे बता रहा हूं मैं तो रिकमेंड खैर वो भी नहीं करता लेकिन अब उसमें ना फिर एक तीसरी बात ये आ जाती है कि क्या सर्विसेज भी सेम दे रहे हो आप अगर तो आप सर्विसेज भी सेम दे रहे हो फिर इश्यूज आ सकते हैं एक लैपटॉप पे दो अकाउंट बिल्कुल नहीं बना सकते ना अब कोशिश कीजिएगा क्योंकि फाइबर अलाउ नहीं करता ठीक है तो फाइबर हो सकता है आपका वो अकाउंट बंद कर दे आपके ठीक है फाइवर की ये पॉलिसी है फाइवर अलाउ नहीं करता कि आप एक लैपटॉप पर दो दो तीन तीन अकाउंट बना के आप करते रहो काम प्रोफाइल पिक्चर अपनी अगर नहीं लगानी तो मैंने अभी आपके सामने ही हमने प्रोफाइल बनाई है उसमें हमने नाम लिख दिया है आप नाम लिख दें ठीक है आपको लोगो बना के लिख दें नेम जरूरी नहीं है मैं आपको मतलब बहुत से लोगों के दिखा सकता हूं कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखे हुए एक्सपर्ट हमजा कुछ एक्सपर्ट ये लिखा हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा नेम ओरिजिनल रखें ठीक है क्योंकि वाकई कल को कोई को इस तरह के इश्यूज आते हैं तो वो आपको मसले नहीं होंगे ठीक है तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ नेम ओरिजिनल रखें नहीं सेम आईपी और इंटरनेट कनेक्शन पे आप नहीं बना सकते दो मैं बार बार बता रहा हूँ देखिये मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट भी होंगे ना इश्यूज आ जाते हैं आप मतलब एक की मुझे ये वैसे मैं बताऊ तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसमें कोई मसला नहीं है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कोई मसला नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ये हमारी सोच जो है ना गलत बना दी गई है मतलब हम एक से काम अभी हमने शुरू नहीं किया अभी पहली दफा भी और हम पहले से ही दो नंबरियाँ सोच रहे हैं कि यार दो दो अकाउंट बनाते हैं तीन तीन अकाउंट बनाते हैं मतलब ये सोच ना हमारी मैं ये नहीं कह रहा आपकी इसमें कोई गलती है मेरी कोई गलती है लेकिन ये हमारी सबकी सोच खराब की गई है मुझे नहीं पता ये दो मतलब शॉर्टकट्स वाले लोगों ने खराब की है किसने की है लेकिन हमें अभी पहले अकाउंट को अपना चला के उसको प्रॉपरली काम करना चाहिए हम लोग पहले से दो दो तीन तीन, तीन अकाउंट्स बनाने का सोच रहे होते हैं मुझे बताएं है उसका क्या आपको फायदा है मतलब या अभी आपको क्या वो है अभी आपने एक भी नहीं शुरू किया अपनी पिक्चर लगाएं तो ज्यादा बेहतर है Uh, अब्दुल वहाब अलग ब्राउजर से भी लोग यूज करते हैं लेकिन मैं बता रहा हूं आप कंप्यूटर तो एक ही है ना और आईपी का का कोई पूछ रहा है आईपी क्या होती है वैसे आईपी आपकी किस तरह बनती है आपके कंप्यूटर से बनती है इंटरनेट से बनती है किससे बनती है फाइवर नहीं अलाउ करता फाइवर के पेमेंट मेथड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पे पहुंचेंगे आ, सुहेल, आपको भी मिलेगी ना अभी वो उन्होंने कह दिया कि इस वीक के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे लेकिन सिर्फ मंडे सुबह दस बजे तक ठीक है उससे पहले पहले आपने वीकेंड पे देखने है। ठीक है हाँ जी कैनवा पे मैं करा दूंगा आप लोगों को लेक्चर्स तो ठीक है क्योंकि कैनवा इंपॉर्टेंट है कैनवा के थ्रू आप बहुत से स्केल्स कैनवा के थ्रू बेच सकते हो राबिया आप कर सकते हो ठीक है इश्यू नहीं है लेकिन मैंने आपको बोला था सर्विसेज भी अगर तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बेचना शुरू हो जाओगे ना दोनों अकाउंट्स पे तो इश्यूज आ सकते हैं ठीक है थीके? बाकी वही फिर बात है देखें कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग कर रहे हैं कोई मसला नहीं है जिस तरह कुछ लोग कहते हैं हम पाकिस्तान से पेपैल बना के पेमेंट भी मंगवा रहे हैं हमें एक साल हो गया दो साल हो गया ठीक है वो जिनकी चल रही है किस्मतें चलती रहेंगी जिनका जब फंसना होगा तो फिर फंस जाएंगे तो मैंने बस आपको ये बता दिया अगर तो आपने बिल्कुल रिस्क फ्री काम करना है तो ऐसे कर लें अगर जिंदगी में थोड़ा बहुत रिस्क के साथ चलने का शौक है या चलना चाहते हैं तो फिर उस तरह कर लें फिर मसला तो कोई नहीं है जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा फिर कोई नहीं मतलब इस तरह ट्राई कर लें मैं आपको बता रहा हूं आप एक अकाउंट के ऊपर प्रॉपर टाइम नहीं दे पा सकते अगर आपका थोड़ा सा भी चलना शुरू हो जाए तो दो अकाउंट दूर की बात है आप एक के ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हो राबिया रिकमेंडेड नहीं है उनका अकाउंट भी बंद हो जाएगा अगर उनका अकाउंट चलता है ना तो उनका भी बंद हो जाएगा अगर उनका कोई चल रहा है उसमें ऑर्डर आते हैं या जो भी सर uh, अगर ईमेल हमारे नाम पे ना हो पर अकाउंट नेम बनाए तो कोई इशू तो नहीं था ईमेल का कोई इशू नहीं है ईमेल uh, आप तरीन उस पर कर सकते हो ईमेल का कोई ऐसा इशू नहीं है uh, सईदा यूमन फातमा मैंने आपको ये बताया था कि ज्वाइंट अकाउंट वाले कार्ड में लगा के कभी नहीं देखे जिंदगी में आप लगा के देख देखें अगर लग जाता है तो चल जाएगा ठीक है क्योंकि अब कार्ड तो देखे बहुत तरह के बहुत बैंक दे रहे हैं अब ऑब्वियसली सारे जिंदगी में बैंक के कार्ड नहीं लगाए हमने ठीक है लेकिन मैंने आपको बता दिया जो चलते हैं अमेजान का अगर आप बनवा लें वो चल जाता है उसका कोई इशू नहीं है ठीक है अगर आपने अपने कोई कार्ड ट्राई करने हैं तो वो आप करके देख सकते हो अकाउंट डिलीट कैसे होता है ये भी आगे जाके देख लेंगे हाँ दोनों आप एक अकाउंट पे दोनों के काम कर सकते हो अगर आप चाहो दोनों के बजाय तीन कैटेगरीज में भी कर सकते हो आप एस के एक्सपर्ट भी हो आपको ड्रॉप शिपिंग भी आती है आपको वर्चुअल असिस्टेंट भी आता है आपको कुछ और भी आता है आप कर सकते हो कोई इसमें इशू नहीं है मर्जी है आपकी अपवर्क वाली भी मैंने नहीं बोला लगाए मैंने बोला कि आप अपनी या तो रिसेंट कोई पिक्चर खींच के लगा लें ज्यादा बेहतर है या फिर आप अपना कोई लोगो शोगो को बना लें एड्स बीच में ही आ जाएंगे बिल्कुल आ जाएंगे एफ बी एड भी कैनवा जिन्हें आता है अच्छी बात है जिन्हें नहीं आता वो सीख लेंगे ठीक है अब क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट हो रहे हैं एक ये अच्छा ये सुन ले हाँ, आप अपना अकाउंट जो है ना फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे भी कर सकते हो यूज और अपना जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ आई होप उससे आपका डिवाइसेस वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ठीक है मैं घर में अकेला रहता हूँ तो मैं अपना अकाउंट मेरा लैपटॉप पे भी ऐसे चलता है मेरा डेस्कटॉप पीसी है उसके ऊपर भी चलता है और मेरा मोबाइल के ऊपर भी चलता है ठीक है इंटरनेट कनेक्शन सेम ही है तो मेरा आज तक उस अकाउंट को कोई इश्यू नहीं हुआ सही है मेरे डेस्कटॉप पे भी और कोई अकाउंट फाइबर का नहीं बना हुआ मेरे मोबाइल के ऊपर भी और कोई अकाउंट आज तक फाइबर का नहीं बना मेरे लैपटॉप के ऊपर भी आज तक और कोई अकाउंट फाइबर का नहीं बना ठीक है तो मेरे अकाउंट इन तीनों पे चलते हैं कोई इशू नहीं है जी अगर डिफरेंट है वो कर ले फिर उसमें रिस्क नहीं है इतना अकाउंट डेल करने का मैं तरीका बता दूंगा अभी बिल्कुल एंड हो चुका है लेक्चर में तो बस ऐसे क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ थोड़े से ताकि वो ना हो आप लोगों के देखें जिनके तो ये इशूज है ना एक ही लैपटॉप है घर में या कुछ भी वो उनको तो मैं यही बोलूंगा एक लैपटॉप पे दो अकाउंट ना बनाए वो दोनों आप रिस्क में चले जाएंगे दोनों के अकाउंट ठीक है और अगर मेरी बात है किसी को डिलीट अकाउंट करने का बहुत ज्यादा अगर वो है ना मतलब के कोई टेंशन है उसमें कोई इशू आ रहा है आप गूगल पे सर्च कर ले ना समझ आया तो मैं आपको बताया मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है बेसिकली डिलीट नहीं डीएक्टिवेट की ऑप्शन होती है वो सेटिंग में जाए वहां पर जाके ऑप्शन मिल जाती है हाँ वो कोई मसान नहीं है जिनकी दो में भी बनी है कोई इशू नहीं है उस पर हम लोग काम शुरू कर लेंगे हाँ ओल्ड अकाउंट डिलीट करके डीएक्टिवेट करके न्यू अकाउंट बना ले उसमें कोई इशू नहीं है एट अ टाइम एक ही चल रहा हो गिग रैंक होते हैं अकाउंट नहीं रैंक होता अनुमान नहीं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपके पास सेलर अकाउंट होना जरूरी नहीं है ठीक है लिस्टिंग के लिए होना जरूरी हो सकता है वो भी सिर्फ अगर एमेजोन के ऊपर जाके आपने लगाना हो लेकिन वो सारी चीजें हम आगे जाके करेंगे ना कवर तब आपको आइडिया हो जाएगा कैनवा पे मैं दे दूंगा कुछ लेक्चर आके आपको आइडिया हो कैनवा का मैं बताऊंगा क्या क्या कैनवा पे कर सकते हो क्या क्या नहीं हो सकता किसी का अकाउंट भी अपने लैपटॉप पे कभी ना ओपन करें जो पहले आपके अकाउंट बने हुए उसी पे कंटिन्यू कर लें कोई इश्यू नहीं है ठीक है उसी पे कंटिन्यू करके देख ले अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना आ रहे हो तब हम बंद करके नया बना लेंगे ठीक है अभी उसी पे कंटिन्यू करें सारे लाइबा मैंने आपको बताया है कि बनाने को आप बना लें मैं ये खुद हम पंगे बहुत दफा ले चुके हैं ठीक है थीके? आपका हो सकता है एक साल भी चल जाए एक साल के बाद बंद हो गया तो मुझे आपने नहीं आके कहना मैं तो आपको कह रहा हूं आप बना लें कोई मसला नहीं आप बेशक एक लैपटॉप तो पे चार अकाउंट बना लें मुझे कोई मसला नहीं है मैंने बस आपको बता दिया कि एक, एक फाइबर की पॉलिसी है अब आप उसमें जो मर्जी जुगाड़ लगा के बनाते रहे वो आपकी मेहनत है या आपका वो कह लें कि उसमें है स्ट्रेटजी लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये इशू होता है ठीक है तो वो आप कंफ्यूज ना हो लोग कर रहे हैं मैं भी जानता हूं बहुत से लोगों ने एक एक लैपटॉप uh, पे चार चार अकाउंट दो दो बनाए हुए हैं तीन तीन बनाए हुए हैं लेकिन वो मैं बता रहा हूँ अल्टीमेटली उनसे आप कुछ टाइम के बाद पूछे वो इश्यूज आ जाते हैं उनमें मोबाइल पे ट्राई कर लें अगर आपसे बनता है तो बना लें मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ कि आगे भी बहुत से ऐसे काम है जो मोबाइल पे नहीं हो पाएंगे वैसे अकाउंट तो शायद बन जाए आपका डेस्कटॉप पे करके ब्राउजर को Uh, जो इंग्लिश टेस्ट है हाँ जी उसके मार्क्स मैटर करते हैं वो मैं अगर सिक्स या सेवन होते हैं उससे अगर नीचे लेंगे तो वो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो वो आपको सिक्स या सेवन से ऊपर लेने होते हैं सिक्स होते हैं पेमेंट दे देता है फाइवर आपको लेकिन वो तीन महीने का कोई गैप के बाद देता है कि तीन महीने आपका अकाउंट बंद रखता है उसके बाद पेमेंट वगैरह देता है हाँ एक अकाउंट पे आप गेक जितने मर्जी है फॉर एग्जांपल एक अगर मैं एक अकाउंट है मेरे पास फाइबर का मुझे आप में से कोई बंदा आगे कहता है कि सर आप ना एक फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग का गेक बना दें कोई ऑर्डर आएगा तो आप मुझसे करवा लेना तो मैं आपका आपके लिए गेक बना सकता हूँ मुझे कोई मसला नहीं है मतलब इस तरह आप कर सकते हो कोई सुनिए घर में अगर एक ही अकाउंट है उसके ऊपर अपना अपना गिग बना लो सारे एक इंटरनेट कनेक्शन पे टू डिफरेंट डिवाइसेस पे बना लें इश्यू नहीं है मैंने बोला है थोड़ा सा बस ये ख्याल रखें कि बिल्कुल सेम सेम चीजें ना बेचना शुरू कर देना दोनों पे थोड़ा और रिस्क कम हो जाएगा फिर उसमें नहीं नहीं आपका शुएब अगर ओरिजिनल अकाउंट है उसी पे काम करें टेस्ट आप यही समझें कि आप एक दफा ही दे सकते हैं ठीक है आप लोग अभी यही समझे एक दफा दे सकते हैं क्योंकि ना टेस्ट अब मैं इसलिए आप लोगों को अभी चीजें नहीं कह रहा इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि एक दफा सारी चीजें देख लो सीख लो उसके बाद करना क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट में इतने बच्चों के अकाउंट बंद हुए हैं ना और ये अकाउंट का इश्यू आया है ना कि वो टेस्ट उनसे उन पता क्या है अब मैं आपको एक आखिरी बात करता हूँ फिर हम ये एंड करते हैं लेक्चर टेस्ट पे सबसे बड़ा जो है ना इशू ये आता है कि जब आप टेस्ट दे रहे होते हो ना अगर आपका कोई लैपटॉप बंद हो गया कोई विंडो बंद हो गया कुछ भी हो गया वो आपका जो है ना ज़ाया हो गया ठीक है वो आप दोबारा खोलोगे अकाउंट तो वो आपको कहेगा नाइनटी डेज के बाद दोबारा आप जो है ना टेस्ट देने की ऑप्शन है आपके पास ठीक है तो वो वाली चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी इजेर तक रखें तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इश्यू आएगा इसलिए मैं बार बार क्लियर बोल रहा हूँ कि अभी पंगे अपनी तरह से ना लेना जो पंगे लेंगे वो थोड़ा बहुत फंस जाएंगे मैं पहले बता रहा हूँ करने को मुझे कोई मसला नहीं आप लोग जिस तरह मर्जी थोड़ा करते रहो लोग करते हैं लेकिन अगर आप जो है ना करोगे तो उसमें इशू आएगा ठीक है तो आप लोग जो है हाँ जी अभी ना बनाए सही है तो अभी यहीं तक रखते हैं तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगी होगी यहाँ तक फाइवर अकाउंट की क्रिएशन का और क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गए हैं तो अब वीकेंड पे जो है आप लोग ये सारे चीजों को एक दफा रिपीट कर लीजिएगा ठीक है सब अपना ख्याल रखें ठीक है जी अल्लाह हाफिज